हेलो फ्रेंड्स, आइए आप सबको यूट्यूब चैनल प्रोमोशन स्टडी क्लास में स्वागत है। आज मैं घातांक और करणी का वीडियो नंबर 5 लेकर के आया हूँ, जो कि इस प्रकार है ना। इसमें क्वेश्चन जो है 5 हम लेकर के आए हुए हैं, है ना। पांचों क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक में। वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, a का वैल्यू अंडर रूट 5+1 अपॉन अंडर रूट 5-1, और b का भी वैल्यू इसका अपोजिट है ना, इसका अपोजिट है, यानी कि अंडर रूट 5-1 अपॉन अंडर रूट 5+1। तो इसका वैल्यू क्या है, a² + ab + b² अपॉन a² - ab + b² का वैल्यू क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको जोड़े ना तो एक बार जोड़ेंगे, है ना, अभी घटाए हैं तो एक बार घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे, है ना, यहाँ पर बनाने के लिए हम स्पेस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि a + b = a का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 5+1 / अंडर रूट 5-1, प्लस कर दिया। फिर b का वैल्यू कितना है, ये वाला है अंडर रूट 5-1 / अंडर रूट 5+1, ठीक है। तो इसको हम एड करेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम दोनों का एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट 5-1 * अंडर रूट 5+1, है ना। अब इसमें देखिए, इसमें इसे डिवाइड करेंगे तो जो बराबर रहता है ना वो कट जाता है, तो ये और ये कट गया, बचा ये वाला, ये बच गया। तो इसमें अंडर रूट 5+1 बचा, तो अंडर रूट 5+1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5+1 का होल स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया, अब फिर इसमें इसे डिवाइड करेंगे तो प्लस वाला जो है ना कट गया, माइनस वाला बचा, तो माइनस से गुना करेंगे, माइनस वाला जो है ना उसमें माइनस वाला से गुना करेंगे, यानी अंडर रूट 5-1 से अंडर रूट 5-1 से गुना करेंगे तो अंडर रूट 5-1 का होल स्क्वायर हो गया। तो एक फॉर्मूला आप लोगों को बताए होंगे, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर = 2 a² + b², ये फॉर्मूला आप लोगों को पहले बताए होंगे, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे ऊपर वाले में, है ना। तो क्या होगा, अंडर रूट यहाँ पर लिख देंगे, है ना, 2 * अंडर रूट 5² है ना, अंडर रूट 5² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे जो है ना ये भी फॉर्मूला प्रोसेस करेंगे, a + b * a - b = a² - b², ये फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला यूज होगा इसमें। तो क्या होगा, अंडर रूट 5² - 1² ठीक है। ये नीचे वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला का फॉर्मूला, ठीक है। तो 2 * 2 * स्क्वायर से रूट कट जाता है 5+1, और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कटा तो 5-1, यानी कि कितना होगा, 5 × 6 = 12 / 4 ये कट गया, कितना हो गया, 3, ठीक है। a + b = कितना आ गया, 3 आ गया। अब चलिए इसको एक बार घटाएंगे a - b, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5+1 / अंडर रूट 5-1 घटाओ अंडर रूट 5-1, है ना, / अंडर रूट 5+1। तो इसका एलसीएम लेंगे तो वही होगा सिस्टम, है ना, अंडर रूट 5-1 * अंडर रूट 5+1, ठीक है। तो इसमें इसे डिवाइड करेंगे तो कट गया, बचा कितना, अंडर रूट 5+1 में इसे गुना करेंगे तो अंडर रूट 5+1 का होल स्क्वायर - अंडर रूट 5-1 का होल स्क्वायर, ये बचा, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला पर सेट होगा, फॉर्मूला कौन सा होगा, a + b का होल स्क्वायर - a - b का होल स्क्वायर = 4ab, ये होता है फॉर्मूला थर्ड नंबर माइनस वाला। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम अंडर रूट 5 * 1, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5-1, चूंकि फॉर्मूला यही लगेगा नीचे वाला, तो 5 का होल अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर तो रूट रूट कट गया, कितना हुआ 5-1, यानी कि कितना होगा, 4 √5/4, 4 से 4 कट गया तो बचा कितना, अंडर रूट 5, जहां जहां ab 1 है,
ए बी वन है ना, ए बी क्या है वन है। तो इसमें क्या करना है कि अब इस फॉर्मूला पर हम सेट करेंगे, इसके बराबर क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, यहां पर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी है ना, तो इसके बराबर। तो क्या होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या, तीन का होल स्क्वायर a प्लस बी का, मैंने यहां पढ़ाया है ना तीन, तो a प्लस बी की जगह पर तीन लिखा माइनस ए बी का वैल्यू वन मैंने रखा, यहां पर तीन का होल स्क्वायर माइनस थ्री गुना वन रखा, यहाँ पर तीन तीन के नौ माइनस वन, यहाँ पर होगा तीन तीन के नौ माइनस थ्री, यानी कि एक बटा कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो सिक्स, कटेगा तो चार बटा तीन, यानी कि चार बटा तीन आपका आंसर है, चार बटा तीन आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, इसके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले लिए। चलिए मिटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये फॉर्मूला भी याद कर लेना होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है दो नंबर क्वेश्चन देखिए मजा वाली है, वन अपॉन टू के अपॉन माइनस वन अपॉन टू इजकल टू क्या होगा, तो याद रहे दोस्तों है ना, माइनस से एक कट जाता है, इसमें घातांक और करणी में माइनस का मतलब बटा वन होता है ना, वन बटा होता है, तो यहाँ पर कट जाएगा कितना होगा, दो के पावर वन बटा टू, दो के पावर वन बटा टू, और याद रहे वन अपॉन टू का मतलब होता है रूट, तो यहाँ पर अंडर रूट टू, ये आंसर आपका हो गया, ठीक है, इसके जगह पर ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर, अंडर रूट एट के पावर वन बटा थ्री क्या होगा, अंडर रूट एट के पावर वन बटा थ्री, तो यहां पर लिख देंगे अंडर रूट एट के पावर वन बटा टू, क्योंकि रूट है तो रूट का मतलब ये होता है, ऊपर लिखेंगे थ्री, वन बटा थ्री। अब इसमें गुना करेंगे एट, एट के पावर वन बटा टू इंटू वन बटा थ्री, एट के पावर गुना करेंगे तो कितना होगा, वन बटा सिक्स होगा ना। अब यहां पर क्या होगा, एट के इसको हम तोड़ेंगे तो दो के पावर थ्री होगा, दो के पावर थ्री के पावर वन बटा सिक्स, यानी कि इससे कट गया दो बार में गया, तो दो के पावर वन बटा टू, यानी कि अंडर रूट टू ए बी आ गया, ठीक है, ए बी कितना आ गया, अंडर रूट टू ही आया, ठीक है। चलिए क्योंकि अंडर रूट टू आने का वजह यह है कि एक बटा दो का मतलब रूट होता है, ठीक है ना। चलिए फोर नंबर क्वेश्चन है, 32 अपॉन 243 के पावर माइनस फोर अपॉन फाइव इजिकल टू क्या है ना, तो यहां पर देंगे दो के पावर पांच बराबर तीन के पावर पांच है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस फोर बाई फाइव, ठीक है। तो यहां पर दो टू अपॉन थ्री के पावर फाइव इंटू माइनस फोर अपॉन फाइव, ये कट गया है ना, बचा कितना दो के पावर थ्री के पावर माइनस फोर, ठीक है। तो माइनस है तो इसको पलट देंगे, माइनस है तो इसको पलट देंगे, तीन बटा दो के पावर क्या कर देंगे चार, तो इसमें अब क्या करेंगे गुना करेंगे, तीन को चार बार ले जाएंगे, थ्री के पावर फोर दो के पावर फोर, तो कितना होगा 81 बाई 16 नहीं 32 है ना, ये आपका आंसर आया, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है ना, ये आपका आंसर हुआ, ये दो जो है ना दो को दो बार कर चार बार कीजिए ना, दो दिन के चार चार सोलह हो गए ना, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ है ना, इसमें ये आंसर हुआ और इसमें ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर फाइव, लास्ट क्वेश्चन, माइनस वन बटा 343 के पावर माइनस टू बाई थ्री, ठीक है। तो माइनस से तो ये कट ही जाएगा ना, माइनस से कट जाएगा, तो होगा कितना, कितना होगा, कितना होगा माइनस 343 के पावर दो बटा तीन, ठीक है। अब इसको हम कितने बार में ले जाएंगे, कितने बार में ले जाएंगे, किसके घन है,
किसके घन है, सेवन का है, सेवन सेवन या 49 है, 49 में सेवन से करेंगे तो इतना आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे क्या, माइनस सेवन के पावर थ्री है ना, के घात दो बटा तीन, ठीक है। तो माइनस सेवन के पावर थ्री इंटू टू बटा थ्री, ये कट गया तो कितना बच गया, माइनस सेवन के पावर टू, यानी कि इसको डबल करेंगे, माइनस सेवन इंटू माइनस सेवन इसका टू कितना हो जाएगा 49, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, और इजी वे में लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, बट इसका फॉर्मूला जो है आपको याद करना पड़ेगा और माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये इसमें ये फॉर्मूला तीन यूज किया, और यहाँ पर शॉर्ट्स एंड इंडिकेट्स यानी घातांक और करने का जो फॉर्मूला मैं आपको दे चुका हूँ, है ना, उसको देख लेना होगा, और देखने के बाद इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी मिले तब आसान से और इजी वे में लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तब जय हिंद, धन्यवाद।